Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Bhanuji Bhai Abhishek sir. In this video, I'm discuss about fertilization. आज का जो हमारा वीडियो होगा, जो लेक्चर होगा, इस पे हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे. भैया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपको पता होगा कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था, उसी में एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन. तो आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. आपको बता दें कि फर्टिलाइजेशन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. इसमें हैप्लॉयड मेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है, जिससे क्या का जो डिप्लॉयड है वो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. मतलब हम कह सकते हैं कि भैया फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है इसमें हैप्लॉयड मेल गैमेट, इसका हैप्लॉयड मेल गैमेट और हैप्लॉयड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है. क्या होता है? फ्यूजन होता है, जिससे आपका डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन होता है. डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. तो हम क्या बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका हैप्लॉयड मेल गैमेट और हैप्लॉयड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो और डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन हो जाए. तो ऐसे हम प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन टर्म देते हैं. अगर हम फर्टिलाइजेशन के हम डिस्कवरी की बात करें कि भैया फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी कब हुआ, इसने बताया, तो साइंटिस्ट थे स्टर्नबर्ग. इन्होंने 1884 में मोनोट्रोपो प्लांट में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन को देखा कि भैया इसमें फर्टिलाइजेशन होता है. तो आइए जानते हैं कि जो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है आपस में कैसे फ्यूज कर रहे हैं, और फ्यूज होने के बाद फिर जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है. आपको हमने बताया था कि भैया जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था फ्लावरिंग प्लांट का, उसे हम स्टेमेन बोल रहे थे. और जो आपका स्टेमेन था, ये दो पार्ट से मिलकर के बना था, एक तो एंथर और दूसरा फिलामेंट है. जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था, जिसको हम एंथर बोल रहे थे, इसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होने के बाद इससे माइक्रोस्पोर मतलब की पॉलन ग्रेन का, इससे क्या बोलते हैं, लिबरेट होता है या बाहर निकलता है. फिर ये पॉलन ग्रेन यहां से मूव करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पे आ जाता है. आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पे आ जाता है. है भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पे आ जाता है. जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पे आ गया, तो हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन. तो अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ जो आपका ये आपका जो क्रिस्टल वाला जो पार्ट है, ये पॉलन ग्रेन्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है. ये स्टिग्मा क्या है, इस पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करता है, और जब इसको आइडेंटिफाई ये कर लेता है, तो इसको फिर न्यूट्रिशन लेता है. और जब न्यूट्रिशन ये पा जाता है, तो जो आपका पॉलन ग्रेन था, आपका जो पॉलन ग्रेन था, है भाई माना पॉलन ग्रेन, ये जो पॉलन ग्रेन था, जब ये वाटर और न्यूट्रिएंट को पा जाता है, तो इसके बाद ये इसे प्रोजेक्शन बाहर आना स्टार्ट होता है, जिसको हम जर्म ट्यूब बोलते हैं. इतना हो गया. आपको अगर पॉलन ग्रेन का आइडिया हो, तो हमने आपको बताया था जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर दो टाइप के सेल होते हैं. एक आपका होता है वेजिटेटिव सेल, और दूसरा आपका होता है जनरेटिव सेल. हो गया. जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, फिर से समझिए, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ, जिससे आपका जो पॉलन ग्रेन है बाहर आया, तो मतलब पॉलिनेशन का प्रोसेस हुआ, जिसके द्वारा जो पॉलन ग्रेन था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पे आ गया. जब स्टिग्मा पे आ गया, तो पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन हुआ. इसमें
इसको ये आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद इसको भाई न्यूट्रिशन दे देता है। जब इसको ये न्यूट्रिशन दे देता है तो पोलन ट्यूब में जो जर्म पोर था उसी से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया तो जो आपका पोलन चेन के अंदर जो जनरेटिव जो सेल था, ये जनरेटिव सेल क्या करेगा, ये मूव होके पोलन ट्यूब में आ जाएगा। ये जो आपका जनरेटिव सेल था ये मूव करके पोलन ट्यूब में आ गया, और जो आपका वेजिटेटिव सेल था ये भी मूव करके पोलन ट्यूब में आ गया। अब देखिए क्या होगा, अब फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा और ये जो आपका जनरेटिव सेल था इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। जब जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा तो टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है भैया, टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम पिस्टिल के अंदर देखते हैं, ये आपका जो पॉलन ग्रेन था या आ गया, जब पॉलन ग्रेन आया मतलब इसको आइडेंटिफाई किया, इसके इससे फिर न्यूट्रिशन दिया, यहां पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ तो जो आपका जनरेटिव सेल था दो मेल गैमेट को बना लिया, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, और जो आपका ये वेजिटेटिव सेल था जब दोनों मेल गैमेट बन जाते हैं तो बाद में वो डिसअपीयर हो जाता है। अब क्या होगा, ये जो आपका जो पोलन ट्यूब था ये इनलार्ज होता जाएगा, ये पोलन ट्यूब इनलार्ज होता जाएगा। भाई जब पोलन ट्यूब इनलार्ज होगा, तो जो आपका मेल गैमेट था ये भी मूव होगा, और आपका जो मेल गैमेट था ये मेल गैमेट यहां से यहां पे आ जाएगा। अब देखिए ये मेल गैमेट क्या करेगा, ये मेल गैमेट यहां से मूव इसके अंदर ओवरी के अंदर से ओव्यूल के अंदर जाएगा, और ओव्यूल में जो इम्ब्रियो सैक है, इम्ब्रियो सैक के एग सेल से ये फ्यूज कर जाएगा, और फ्यूज करने के बाद हमने आपको बताया कि भैया जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हमें आपको फर्टिलाइजेशन में क्या बताया जा रहा है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन हो और उससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद आपको पता होगा कि भैया जो ये जाइगोट था ये इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा और इम्ब्रियो के बाद सीड बन जाएगा। अरे बन जाएगा ना, तो ये आपका है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब देखिए फर्टिलाइजेशन में तीन टर्म आते हैं जिसपे लोग अक्सर ही कंफ्यूज कर जाते हैं, एक आपका है पोरोगैमी, एक आपका है चलाजोगैमी और एक आपका है मीजोगैमी। तीन टर्म आते हैं पोरोगैमी, चलाजोगैमी और मीजोगैमी। ये जो टर्म है ये किस बेसिस पे है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो आपका पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब ये कौन से इंड से ओव्यूल के अंदर इंटर कर रहा है, इसके बेसिस पे तीन टर्म दिए गए हैं, पोरोगैमी, चलाजोगैमी और मीजोगैमी। अच्छे से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ये जो जर्म ट्यूब है, ये जो जर्म ट्यूब है ये कौन से इंड से इंटर कर रहा है ओव्यूल के अंदर, मतलब नीचे वाले इंड से इंटर कर रहा है कि ऊपर वाले या फिर साइड से ही इंटर कर ले रहा है, इसके बेसिस पे कुल तीन कुल टर्म दिए गए हैं जो कि आपका है पोरोगैमी, लाजोगैमी, मीजोगैमी। आपको हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था, हमने आपको बताया था कि ओव्यूल के अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो भैया ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहां हमने आपको बनाया है। ओव्यूल में जिस आइड में सिनर्जिक होगा उस इंड को माइक्रो पाइलर इंड बोलते हैं, और जिस साइड में एंटीपोडल सेल होगा उस इंड को हम चलाजल इंड बोलते हैं। इसी बेसिस पे ये तीनों टर्म हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है मतलब जर्म ट्यूब अंदर ओवरी के अंदर अंदर जा रहा है, वो कौन से इंड से इंटर कर रहा है, इसके बेसिस पे ये तीनों टर्म दिए गए हैं, पोरोगैमी, लाजोगैमी और मीजोगैमी। तो आइए देखते हैं भाई पोरोगैमी आपका क्या है, फिर
प्लाजोगैमी क्या है, फिर मीजोगैमी क्या है, अच्छे से समझिएगा। इसमें हम बता रहे हैं, इसमें दिया हुआ है, अगर जो पॉलन ट्यूब है, अगर आपका पॉलन ट्यूब है और ये पॉलन ट्यूब में, अगर ये पॉलन ट्यूब है और ये पॉलन ट्यूब माइक्रो पाइलर एंड से इंटर कर रहा है, अच्छे समझिएगा, अगर पॉलन ट्यूब माइक्रो पाइलर एंड से इंटर कर रहा है, समझिएगा, इसमें भाई दो मिल गए में, और तब अंदर जा रहा है और एग से फर्टिलाइज करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर रहा है, तो ऐसे टाइप के पॉलन ट्यूब को हम बोलते हैं पोरोगैमी, मतलब ऐसा जो फिनोमेना होगा उसे हम पोरोगैमी नाम देते हैं। एक बार फिर से समझिए, अगर ये पॉलन ट्यूब माइक्रो पाइलर इंड से इंटर कर रहा हो ओव्यूल के अंदर और फिर एम्ब्रियोसाइट के अंदर फिर जाए और एग सेल से फ्यूज करके जायगोट का फॉर्मेशन, अरे तो इसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी टर्म आए कि पोरोगैमी है तो आपके दिमाग में फोटो बन जाना चाहिए कि भैया अर ने बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो जर्म ट्यूब है अगर माइक्रो पाइलर इंड से इंटर वो कर रहा है तो इसे हम बोलते हैं पोरोगैमी। इतना समझ में आया। अब देखिए, अगर ये पॉलन ट्यूब है और ये चलाजल इंड से इंटर कर रहा है, कौन से इंड से, चलाजल इंड से इंटर कर जा रहा है और फिर अंदर जा करके एग से फ्यूज करके जायगोट का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसे बोलते हैं चलाजोगैमी। भाई नाम से ही ये क्लियर है यार, चलाजल इंड है और पॉलन ट्यूब जो है वो चलाजल इंड से इंटर करे तो ऐसे हम फिनोमेना को या ऐसे प्रोसेस को हम चलाजोगैमी बोलते हैं। समझ में आ गया, पोरोगैमी हो गया और ये चलाजोगैमी हो गया, है भाई, हो गया ना। पोरोगैमी में हमने क्या समझा, पोरोगैमी में हमने समझा कि भैया जो आपका माइक्रो पाइलर इंड था इससे अगर पॉलन ट्यूब अंदर जाए और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वो परफॉर्म करे तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को एक स्पेशल टर्म देते हैं पोरोगैमी, और अगर पॉलन ट्यूब चलाजल इंड से इंटर कर रहा हो तो इसे बोलते हैं चलाजोगैमी। इतना समझ में आया। अब देखिए, अगर आपका पॉलन ट्यूब साइड से इंटर करे, मतलब जो इंट्यूबमेंट वाला जो लेयर है ये इधर से भी हो सकता है, ये इधर से भी, मतलब ये ओव्यूल में साइड से इंटर करे और तब इसके बाद इसमें एग में जाए और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन, अरे तो ऐसे प्रोसेस को हम मीजोगैमी बोलते हैं। तो तीन टर्म हो गया, कौन कौन से, पोरोगैमी, फिर चलाजोगैमी, फिर मीजोगैमी। पोरोगैमी में क्या है कि पॉलन ट्यूब जो है वो माइक्रो पाइलर इंड से इंटर, अरे तब इसको हम पोरोगैमी हम बोलेंगे, अगर चलाजल इंड से इंटर कर रहा है तो इसे हम चलाजोगैमी, और अगर साइड से इंटर कर रहा है मतलब जो इंट्यूबमेंट वाला जो लेयर है उससे इंटर कर रहा है तो इसे हम मीजोगैमी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है क्या पोरोगैमी या चलाजोगैमी या मीजोगैमी क्या है, तो भैया इसको आप बता देंगे कि अगर पॉलन ट्यूब माइक्रो पाइलर इंड से इंटर कर रहा है तो उसे पोरोगैमी, अगर चलाजल इंड से तो उसे हम चलाजोगैमी, और अगर साइड से मतलब इंट्यूबमेंट वाले लेयर से इंटर कर रहा है तो इसे हम मीजोगैमी बोलते हैं। समझ में आया। एक बार फिर से फर्टिलाइजेशन का हम आपको बता दे रहे हैं, फर्टिलाइजेशन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें हैप्लॉयड, इसमें क्या होता है हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन हो और जायगोट का फॉर्मेशन हो जाए तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।